आइडियोलॉजी की गल करते हैं, उसनू चलान वाला मोदी वर्गा तेली भी हो सकता है, तेलियां का मुंडा, अमित शाह वर्गा बाणियां का मुंडा भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेट पावर उत्थे ही लाई करती है ब्राह्मणवाद की उस आइडियोलॉजी जिन्हों अल्टीमेटली मोहन भागवत वर्गा बैठा जोड़ा है वो हैंडल कर रहा है। दंगे करवाए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ज सिखा दे नस्लकुशियां कराई जाए, कोई ब्राह्मण तो नहीं अगे आके अग ला रहा हूँ। बीजेपी ओनली पार्टी दैट कैन टेक केयर ऑफ पंजाब सिक्योरिटी इकोनॉमिक चैलेंजेस, के यही कोई एक पार्टी है जी पंजाब का भला कर सकती है। और जो तुम इस सारे जो असी क्या भी पंजाब की सियासत जड़ा इस सारी दौड़ तो बाद कोई पोलिटिकल एसपीरेशन नेड़े आन की गल सी उदी थां ते डर्टी मैस है ते गल यही पंबल पुस है। जे ब्राह्मण दे हथियार देखने होने, हथियार उन्हें नहीं लिखा है चाणक्य ने, पर ये ब्राह्मण दा सब तो कामयाब हथियार है और वो है पंबल पूसा। दर्शकों ब्रेक तो बाद आप समझ जिया कहने, सो व्यूअर्स ज्यों ज्यों पंजाब असैम्बली चोणां नेड़े आ रही ने, सियासी माहौल जड़ा है होर भी गरकता जा रहा है और पंजाब विच एक वड्डा सियासी पंबल पूसा पैदा कर दिता गया है जिस विच सिखां दियां सियासी उमंगां दी सियासत लई कोई थां नहीं बची। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं, सो असीं चाहवांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो असी ये महसूस करते सी कि जिहड़ी किसान मोर्चे की फतह जिसने सिख कौम की मसल पावर, सिख कौम की और खास तौर पर डायस्पोरा सिख कम्युनिटी और विद इन इंडिया जिहड़ी सिखां दे लई गुडविल हरियाणा, वैसटर्न यूपी, राजस्थान और रिजॉल्व और बाकी पोलिटिकल पार्टियां अपोजिशन और दूसरी जड़ियां बिल्कुल चित होईयां होईयां सी बीजेपी के सामने, सिखां ने अखां चखां पा के वंगारिया और उन्होंने शिकस्त दित्ती कि इस चों एक पॉजिटिविटी दे नाल एक पोलिटिकल अवेयरनैस वाला एक माहौल सिरजिया जाएगा और एक साल की आलमोस्ट ट्रेनिंग जिहड़ी किसानां दी जिन्हां च बीबियां भी शामिल ने जिहड़ी उन्हां दी होई है उन्हूं एक पोलिटिकल ईडियम दे विच राइटली पंजाब दे हक्कां लई, हितां लई और अल्टीमेटली पंजाब दी सॉवरनिटी लई, खालिस्तान दी गल नूं अगे तोरन दे लई ये एक जिहड़ा है साडा पड़ा बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जे असीं इस लाइन ते सोचदे सी ते साडा दुश्मन जिहड़ा जदों असीं इह कहिंदे आ कि ब्राह्मण दी जिहड़ी सोच है, और इस गल दा ध्यान रहे जदों असीं ब्राह्मण लफ्ज़ कहिंदे आ असीं उहनां दी आइडियोलॉजी दी गल करदे आ, उसनूं चलाण वाला मोदी वर्गा तेली भी हो सकदा है, तेलियां दा मुंडा, अमित शाह वर्गा बाणियां दा मुंडा भी हो सकदा है, लेकिन अल्टीमेट पावर उत्थे ही लाई करती है ब्राह्मणवाद की उस आइडियोलॉजी जिन्हों अल्टीमेटली मोहन भागवत वर्गा बैठा जोड़ा है वो हैंडल कर रहा है अगों। और यही कारण है कि बहुत बार तुम ये तो नहीं देखा होना कि जो दंगे करवाए जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ, ज सिखा दे नस्लकुशियां कराई जाए, कोई ब्राह्मण तो नहीं अगे आके अग ला रहा हूँ, अगर लाने के नहीं होंगे, उन्होंने प्लैन ही किया, अगर लाने वाले उ रखे होंगे ने, उन्हें उही बैकवर्ड क्लासेस, उही शड्यूल कास्ट, उही शड्यूल ट्राइब, जिन्हें ये पता भी नहीं होंदा कि भई वह किदी खेड खेड रहे हैं, और उन्हें चो नफरत, पैसा, जो भी उन्होंने ढंग तरीके होंगे ने। सो अज भी जो असी फ्रंट फेस देखते हैं फिर बहुत लगता है जी, कई जातां नाल देखने लग जाते हैं कौन ब्राह्मण है कौन, ये कोई फर्क नहीं पैंदा। अल्टीमेटली खेम गेम तो हुण हरिद्वार संसद दे विच जिस तो सब तो ज़्यादा नफरत भरी तकरीर करवाई वो वसीम रिजवी नाँ का बंदा है जिहड़ा यूपी शिया बोर्ड का चेयरमैन से कुछ वक्त पहला तक, उन्होंने कहा जी उन्हें इस्लाम छड़ता वो हिंदू बन गया और वो सब तो ज़्यादा। सो ये विके हुए लोग जे पंजाब के हवाले असी अज देखिए कि भी अज तो कुछ वक्त पहला तक किसान लहर तो भी पहला जो देखना होए कोई इमेजिन कर सकता है कि वह अमरिंदर सिंह जिन्हों कांग्रेस ने दो बार चीफ मिनिस्टर बनाया जिस दी दे उत्ते कोई रोक नहीं सी, वह बादशाहां वांग स्टेट नूं रन कर रहा सी, उही अपनी बद इखलाकी भी कर रहा सी, और किस किस्म दा कि भी कदे वो बीजेपी दा फ्रंट फेस बन जाएगा और डिफेंड कर रहा, डिफेंड ही नहीं कर रहा होएगा, बीजेपी नाल अलायंस करेगा। और अज जिहड़ी उन्हें पहली अपनी पब्लिक रैली की, वह कहिंदा
बीजेपी ओनली पार्टी दैट कैन टेक केयर ऑफ पंजाब्स सिक्योरिटी इकोनॉमिक चैलेंजेस, के यही कोई एक पार्टी है जिहड़ी पंजाब दा भला कर सकदी। और फिर कहंदा कि आई फाउंड दैट बीजेपी इज द ओनली पार्टी दैट कैन टेक केयर ऑफ बोथ थिंग्स। उन्होंने ये कहा कि भी मैं उन्हें कि मैं आई हैव नोन प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर ए लोंग टाइम, ही हैड सीन हिम कंसर्नड अबाउट पंजाब एंड पंजाबीज। हूँ ये वो अमरिंदर सिंह जिन्हें इस सारे पीरियड च एज ए कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बेड़ा गर्क किया पंजाब का, बेअदबिया का सिलसिला अजीत डोवल की खेड खेडता रहा। वो कह रहा कि जी मोदी नूं पंजाब ते पंजाबियों का बहुत फिक्र है और मैं देखे और इनफैक्ट इन्हू कढ़िया भी कांग्रेस ने, इसलिए कि उन्होंने रियलाइज़ तो हो गया सी साल दो साल पहले ही कि भी ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहा बिच बैठ। हुण एक पासे ये लोग ने हुण इन्हां दे नाल जॉइन करन वाले जिहड़े सीधे जाके बीजेपी च वड़े मिनिस्टर गुरमीत राणा सोढी, कांग्रेस का फतेह जंग बाजवा, कांग्रेस का जिहदा भरा प्रताप सिंह बाजवा मैंबर पार्लीमेंट भी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान भी रहा, और इन्हां दे नाल कौन लगे हुए ने, उही ढींडसा उही मोहकम सिंह ब्रांड लोग जिहड़ा एक पूरा ग्रुप कदे वह सरबत खालसा करवाण वालियां च सी, कदे वह बरगाड़ी मोर्चे वालियां च सी। सो जदों तुसी इस सारे नूं जदों असी ये कहा भी पंजाब दी सियासत च जिहड़ा इस सारी दौड़ तो बाद कोई पोलिटिकल एसपीरेशनज नेड़े आण दी गल सी, उहदी थां ते डर्टी मैस है ते गल यही पंबल पुस है। और जे ब्राह्मण दे हथियार देखने होने, हथियार उन्हें नहीं लिखा है चाणक्य ने, पर ये ब्राह्मण दा सब तो कामयाब हथियार है और वह है पंबल पूसा। उन्होंने कई पुछणगे भी की ये है कि भी तुसी इन्ने सिनेरियो क्रिएट कर दो जिन्हों कन्फ्यूजन कहते हैं अंग्रेजी वाले, कि भी बंदा बंदे लगे भी ये भी माड़ा है, ये भी माड़ा है, ये भी फिर वो लगे भी सारे भी छड़ो, तो जनू लगे कि जी चलो गो फॉर द लैसर ईवल, तुसी ना चाहते हुए भी उस सिचुएशन घड़ीसे जाओ। और अल्टीमेटली तुहाडी विल नू तोड़ना पंबल पूसा की हुंदा जदों तुसी डिसाइड नहीं कर पाते कि भी तुसी कित्थे जाना। और ये एक कहानी बहुत सारे लोगों के नाल जोड़ के सुनाई जाती है कि जी कार जा रही है, कुसमुसा जिहा होया, चानण कटिया तो एक जड़ा खरगोश है वो जंगली जड़ा रैबिट वो एक पास्यों दूजे जाता है गड्डी दे, दूजों इधर नू आंदा है और फिर अल्टीमेटली टायर दे थले आ जाता है, वो गुजर रहा गड्डी दे, तो उहदा बैठा उन्हूं पुछदा है कि भी तैनूं पता है भी ये क्यों मरिया। वो कहंदा जी रोशनी घट सी, उन्हूं नज़र नहीं आई। वो कहंदा लंघ गया सी, फिर क्यों आया। वो कहंदा भी इसलिए, वो हुण जवाब फाइनल दे रहा, वो कहंदा भी वो इसलिए मरिया कि उन्हूं वो फैसला ही नहीं कर सकिया कि की करना। ये है पंबल पूसा कि जदों तुसी उस सिनेरियो च फस जांदे हो जां फसा दित्ते जांदे हो ते तुहानूं लगदा हुंदा है कि भी की है, चलो जी छड्डो पर। हुण इस सारे चों ही उन्होंने ये पंजाब च जिथे बीजेपी ने अपना फुटहोल्ड बनाना है आने वाली चोणां च, अज असी गल कर रहे हैं ऑलरेडी 4 तरीक की सवेर है, परसों 5 जनवरी नूं मोदी ने फिरोजपुर आना है। हालांकि पंजाब च मीह पै रहे हैं बड़े जोरदार, पिछले दो अगले भी 2 दिन मीह पैना है और किसान भी उत्थे कुछ पहुँचे हुए ने, वो नहीं जिहड़े विके हुए राजेवाल वर्गे सौदा कर रहे ने चीफ मिनिस्ट्री का जां आम आदमी पार्टी नाल रल के चोणां लड़न दा, वो जिहड़े विरोध च ने। और इस सारे दे नाल नाल जिहड़ी COVID-19 वेरियंट है उहदा नतीजा नाइट करफ्यू भी शुरू हो गया उत्थे 11 to 5 तक। जो किसी ने वैसे जोक किया, उन्हें कहा ये COVID-19 का वेरियंट उल्लू है, वो कहंदा क्यों, कहंदा जी उल्लू नूं ही रात नूं नज़र आंदा भी इन्हां ने करफ्यू 11 to 5 लाया भी जिवें उन्हें रात को निकलना है कोविड ने, तो इन्होंने उन्होंने निकलन नहीं देना भी उल्लू है COVID-19। पर वो ड्रामेबाजियाँ अपनी थान हो रही होंगे। हूँ ये कन्फ्यूजन एक पासे ये खड़े किए ने, दूसरे पासे केजरीवाल पंजाब च इस वेले चंगे भले लोग भी ये कहते सुने जाएंगे कि जी आम आदमी पार्टी की वेव बन सकती है, बन रही है, दूजा कांग्रेस दो। और फिर उन्होंने अपने फेक सर्वे करवाण वाले लोग रखे हुए हैं जिहड़े झूठे सर्वे करके किनू अपर हैंड है किनू दूजा है। अच्छा, एक पासे तुसी केसरी निशान दे थले शंभू तो दिल्ली दियां ब्रूहां ते आए, साल
700 तो ज़्यादा अपने भैन भरा मरवा के तुसी केसरी निशान दे थले जित के भंगड़े पाते तुसी वापस गए। ये केजरीवाल RSS दे नाल उन्हां दा जिहड़ा वो फ्रंटमैन ये पंजाब च आ के वो जलंधर होए पठानकोट होए पटियाला होए तिरंगा यात्रा के नाँ थले सब नूं तिरंगे च लपेट लिया। तुहानूं शर्म नहीं आती जां समझ नहीं आती कि भी तुसी किहड़ी खेड खेड रहे हो? किवें बेशर्मी दे नाल तुहानूं लगदा है कि जी ये BJP साडा कल्याण हो सकदा? राज इक आरगू कर रहा सी, देखो जी ये कल्ला पंजाब दे सिखां दा नहीं है, भारत भर च सिख रहिंदे ने। जे उहनां दे इंटरस्ट सेफगार्ड करने ने ते तुहानूं कोई नैशनल पार्टी चाहीदी है, सो BJP दे नाल असीं बाहरले सिखां दे मसले हल करवा। हुण ये सारे जिहड़े लोग विके होए जां विकण लई तैयार बैठे ने इस किस्म दे आर्गूमेंट दे रहे ने। सो सिख धिरां जाहिर है पहलां ही असीं जदों ये कहने आ, फिर कईआं नूं ये दुख भी हुंदा है कि भाई साडियां धिरां ने पंजाब दे विच इस पीरियड च कोई पोलिटिकल मोमेंटम बनाने की कोशिश जरूर की होएगी, उहदे चों कामयाब नहीं होए। और जदों एक एमोशन पोलिटिकल एस्पीरेशन का अराइज भी हुंदा, वो मंगा जड़ियां ने वो अरूज वल जा रही हुंदियां ने, जे तुसी उन्हां नूं किसी पोलिटिकल चैनल दे विच चैनलाइज कर लो तो फिर तो उस चों तुसी कुछ कढ़ सकदे हो, नहीं तो फिर वो जिहड़ा इवें ही रुल खुल जांदियां ने। सो इस वेले जिहड़ा सिनेरियो है पंजाब दा पोलिटिकल, वो एक मैस वाला है, भंबड़ भूसे वाला है। आने वाले दिनों च कुछ होर क्रिशमाई वापर जाए तो ये गुरु जानदा है, पर हाल दी घड़ी इस स्ट्रक्चर चों सवाए भंबड़ भूसे दे होर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जी रल साहब, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सो इत्थे लैणे ब्रेक, व्यूअर्स तुसां इसी तरह बने रहना, मिलदे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।